बेटा सासी लोगों का रास्ता तो रहता ही है। हम सो कोशिश कर रहे थे, जिस तरह मैंने पहले दिन कहा कि मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिलके मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। तो उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी और काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई, ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। सरदारी साहब, ऐसा है कि एक तो आज एक दो चैनल में इस तरह की लाजानी गुफ्तगू की गई कि सरदारी साहब ने नवाजी साहब से कुछ गाली का इजहार किया कि आपके रवैये की वजह से जिंदगी काफ गई है। मैं ये नहीं कह रहा सही है, बल्कि किस तरह का एक दिया गया था। दूसरा ये कि बलूचिस्तान की तीन, माशाल्लाह, तीन पार्टियां आपके साथ आ गई हैं, तीन लोग आ गए बलूचिस्तान की पार्टी के लोग, लेकिन अब सिंध के एमकेएम और शहरी सिंध के और पंजाब से जो बाकी है मजीद कब तक आ गए? शॉर्ट सवाल सर, मैं आपसे अर्ज करूं कि उनसे भी डायलॉग है, उनने भी हमसे वादे किए हुए हैं। उस डायलॉग पे सीएम सिंध और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी आप कुछ अच्छी खबर। एजाज जिन जमातों के साथ आप इंगेज हैं, जिनको लेकर आप कई कदम कामयाब बनाना चाह रहे हैं, इनके लिए तसर ये आम है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमातें अलग से चलती हैं। तो मसला ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानदार है तो ये मामला ये उलझ क्यों गया है, ये आसान क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम तो नहीं कर रही कि कुछ को इधर इशारा, कुछ को इधर इशारा, हुकूमत में जा रहा है कोई अपोजिशन, मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? वो कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। तो डिटेल्स में बातें हो रही हैं, डिटेल्स में कानून साजी हन होनी है, तो उस पे डायलॉग शुरू अलमदार हमेशा ही होती है। अलमदार आप समझते हैं कि वो नाकाम हुई और आप एक कायमी और जमहूरियत का कार अपना के तहरीक आजम इत्माद लाए, तो अपोजिशन के पास क्या प्लान है? मसाइल भी हैं, इन मसाइल का हल कैसे निकलेगा? इंतखाबात भी हो गए हैं, तो प्लान क्या है अपोजिशन का? अगर हुकूमत को आप घर भेज भी देते हैं तो आपको उम्मीद है कि तरीके में इंतखाबात कामयाब होंगे, तो आपके पास क्या प्लान है कि मसाइल हल और आप आगे भी बढ़ें? इंशाल्लाह हमने पहले भी जब इक्तदार संभाला था, जब मुशर्रफ साहब थे और वो चले गए, तो उनके बाद भी हमने संभाल के वो भी इसी नज पे ले आया था, इसी जगह पे हम पहुंचे हुए थे। आपको याद होगा कि उस वक्त भी वीट की इंपोर्ट की बात हुई थी, वीट इंपोर्ट हो रहा था, शुगर इंपोर्ट हो रही थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों की तनख्वाहों के इश्यूज थे, हर किस्म के मसले वो हमने सॉल्व किए थे। तो इंशाल्लाह इस दफा भी बैठ के और इनफैक्ट साथ मिल बैठ के हम आइंदा का रास्ता भी बना लेंगे। खालिद, क्या आप इंतजार कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि 3.5 साल ये लोग गवर्नमेंट के साथ रहे, और क्या आप सोचते हैं कि फ्यूचर में ये आपके हमनवा बनेंगे? सर, मैं समझता हूँ इन सबको एहसास है कि पाकिस्तान के साथ रहना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाना है, उसमें हम सबका भला है। ये भी बचते हैं, मैं भी बचता हूँ, हमारे आने वाली नस्लें भी बचती हैं। तो ये सब मेरे साथ जो दोस्त आ गए हैं, आज तक मैंने वोटरानी साहब को पहले नहीं कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं, इसलिए कि मैं समझता हूँ सबके हालात, और इस वक्त जब मुझे ज़रूरत है तब मैंने उनकी तरफ नज़र दौड़ाई, तो उनने मेरे वालेकुम सलाम करके और कहा कि मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह के काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान का सोच रहे हैं, कुछ दोस्त सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं। पावर तो आती जाती चीज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे। हुकूमत ये दावा कर रही है कि 10 से 12 लोग पीपल्स पार्टी के अदम एतमाद वाले दिन बीमार हो जाएंगे। एक तो ये बताएं कि कौन से लोग हैं जो बीमार हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के। दूसरा सवाल ये कि क्या एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल है? जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि काम भी उधर चली गई और जाके उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ हैं, तो क्या समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल है? मेरी उम्मीद है
और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, बाकी सियासत खेलना सबका काम है। उनकी थोड़ी तंग नजरी है, परेश राई साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं, मेरी नज़र में वो पीटीआई उनको बना नहीं सकती, वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। और जहाँ तक ये दूसरे लवाजमात हैं, ये तो होता रहता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। थैंक यू।